मुझे मोहित नहीं इफ्तिकार बोलो। जय हिंद एंड वेलकम टू ऑल न्यू सीरीज ऑफ LWS। मेरे पहले लाइन से आप ये समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय सेना के उस जाबाज सैन्य अधिकारी की जिसने आतंकवादियों के बीच अपना बहुत सा समय व्यतीत किया, उनके साथ ट्रेनिंग तक ली, उनके साथ खाया पिया और उन्हें मौत की नींद सुला दी। हम बात कर रहे हैं मेजर मोहित शर्मा की और ये बोले इफ्तिकार भट्ट की। मेजर मोहित शर्मा का जन्म एक बहुत ही साधारण से परिवार में 13 जनवरी 1978 को हुआ। रोहतक हरियाणा में उनके पिता का नाम श्री राजेंद्र शर्मा और माता का नाम श्रीमती सुशीला शर्मा था। बचपन से ही हमेशा शरारती रहने वाले मेजर मोहित शर्मा का बचपन का नाम चिंटू था और इनके माता पिता को भी ये नहीं पता था कि ये चिंटू एक दिन हमेशा के लिए इस देश के हर एक युवा के दिल में अमर हो जाएगा। मेजर मोहित शर्मा का बचपन से ही झुकाव सेना की ओर था। वो हमेशा से ही फौज ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन उनके माता पिता को ये उम्मीद एक्चुअली में थी नहीं कि वो कभी भी फौज ज्वाइन कर पाएंगे। इसके पीछे का कारण ये था कि इनके बड़े भाई पढ़ने में काफी अच्छे थे लेकिन वो फौज नहीं ज्वाइन कर पाए, तो इनके माता पिता को लगा कि जब उसका नहीं हुआ तो इसका क्या होगा। परंतु मेजर मोहित शर्मा अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल दृढ़ निश्चय थे कि उन्हें फौज जाना है तो जाना। इसी कारण अपनी 12वीं की शिक्षा DPS गाजियाबाद से पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला तो लिया लेकिन साथ ही साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा दी और SSB के लिए गए और वहां रिकमेंड होकर 1995 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। नेशनल डिफेंस एकेडमी में वो वन ऑफ द बेस्ट कैडेट रहे। उसके पीछे का कारण यह था कि मेजर मोहित शर्मा को हमेशा से ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स में रुचि रही थी जिसके कारण वो घुड़सवारी, स्विमिंग और बॉक्सिंग जैसे खेलों के चैंपियन बने। 1998 के बाद जब वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गए अपनी आगे की प्रशिक्षण पूरी करने के लिए तो वहां पे उनके NDA के अचीवमेंट्स को देख के, NDA में जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया था, वो तैराकी में चैंपियन थे, घुड़सवारी में चैंपियन थे, बॉक्सिंग में चैंपियन थे, उसे देखते हुए उन्हें जाते ही वहां पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बैटालियन कैडेट एडजुटेंट का पोस्ट मिल गया। बैटालियन कैडेट एडजुटेंट, हर एक GC का एक सपना होता है किसी भी एकेडमी में कि उसे अपॉइंटी बनाया जाए और ये बहुत आसानी से अपॉइंटी बन गए इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाते। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी हर स्पोर्ट्स में, हर खेल में हमेशा आगे रहे और 1999 में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक मद्रास रेजिमेंट और 5 मद्रास रेजिमेंट में कमीशन होते हैं। पहली पोस्टिंग जाती है हैदराबाद लेकिन NDA के दिनों से ही मेजर मोहित शर्मा के दो ही सपने थे, पहला कि उन्हें ज्वाइन करना था पैरा SF और दूसरा सपना उन्हें करनी थी कश्मीर में सर्विंग। इनका एक सपना कश्मीर में सर्व करने का तो बहुत जल्दी पूरा हो गया, बहुत ही जल्द जब साल 2000 के मध्य में ही इनकी यूनिट को मौका मिला कश्मीर में सर्व करने का 35 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में। मोहित शर्मा को ये मौका मिलते ही उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि चलो पहला सपना तो पूरा हो गया, कश्मीर जा रहा हूं। उन्होंने बहुत से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, बहुत आतंकवादियों की कमर तोड़ी, बहुत आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 2001 में हमारे देश के संसद पर एक आतंकवादी हमला होता जिसमें लश्करे तोयबा के कुछ आतंकवादी शामिल होते हैं, उसके बाद ही भारतीय सेना ने LOC के इर्द गिर्द शुरू की अपनी ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम एक बड़े लेवल का काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था जिसमें बहुत से यूनिट्स को लगाया गया आतंकवादियों का सफाया करने के लिए। मोहित शर्मा भी उसी का हिस्सा थे और कई सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को सक्सेसफुली लीड करने के कारण उन्हें बहुत ही जल्दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से भी नवाजा गया। यहां से तो बस शुरुआत हो रही है मोहित शर्मा की, मेजर मोहित शर्मा बनने की कहानी। अभी तो एक सपना बाकी ही था, अभी तो बस कश्मीर में सर्विंग हुई थी, अभी तो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना बाकी था। मेजर मोहित शर्मा ने जब पहली बार पैरा स्पेशल फोर्स के लिए ऑप्ट करना चाहा, जब ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया तो किसी कारणवश इनकी तबियत सही नहीं थी जिसके कारण उस समय ये ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन वापस इन्होंने 2003 में पैरा SF के लिए ऑप्ट किया और ये ज्वाइन करने में सफल होते हैं 1 पैरा SF। 1 पैरा SF अपने आप में एक बहुत ही एलाइट यूनिट है, बहुत ही एलाइट यूनिट है इंडियन आर्मी की। 1 पैरा SF ज्वाइन करने के बाद इनके माता जी तो बहुत ज्यादा इन पर नाराज हुए क्योंकि ऑलरेडी उनका कहना था कि तू पहले से ही इतने खतरों से खेलता आ रहा है, तुझे और खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में जाने की क्या आवश्यकता थी। माँ तो माँ होती है, डर तो बनता था, लेकिन इनकी माताजी का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ ये जानकर जब इन्होंने बताया कि उनकी पहली पोस्टिंग पैरा SF ज्वाइन करने के बाद कश्मीर ना होके चंडीगढ़ आई है। तो माताजी के जान में जरा सा जाना है कि चलो चंडीगढ़ में है, पीस इलाका है, ठीक है, जान को कोई खतरा नहीं है। चंडीगढ़ में पहली पोस्टिंग के दौरान ही जब
इनकी मुलाकात होती है जब ये कैप्टन ही हुआ करते थे उस समय। मेजर मोहित शर्मा पैरा एसएस में केवल कैप्टन ही उस समय हुआ करते थे, वहां इनकी मुलाकात होती है कैप्टन रेशमा से। ये मिलना जुलना इनका स्टार्ट होता है, एक अच्छी प्रेम कहानी चलती है हमारे दो सैन्य अधिकारियों की, बहुत ही अच्छी जिंदगी जा रही होती। लेकिन फर्ज तो फर्ज है ना, आ जाता है बुलावा, बहुत दिनों तक चंडीगढ़ में पोस्टेड नहीं रहते हैं वो। 2004 में इन्हें बुलावा आता है कश्मीर से एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए, वही अंडरकवर ऑपरेशन जिसके बारे में मैंने पहली लाइन बोली थी, मुझे मोहित नहीं इफ्तिकार भट्ट बोल। महीनों की अंडरकवर ट्रेनिंग, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लानिंग के बाद मोहित शर्मा के टारगेट पर थे हिजबुल के दो रिक्रूटर्स, जो कि उस समय सदर्न कश्मीर के युवाओं के हीरो बने बैठे थे, जो युवाओं का माइंड वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाते थे और हिजबुल में रिक्रूट करते थे। उस समय उस दौर का सदर्न कश्मीर का शायद ही कोई युवा होगा जो उन दोनों से वाकिफ ना हो। हम बात कर रहे हैं अबू तुरारा और अबू सबजर की। अबू तुरारा और अबू सबजर वो दो नाम हैं जिन्होंने जाने कितने ही सैनिकों पे घात लगा के पीछे से हमला किया था, करवाया था, और जाने कितने ही घरों ने अपने घर के चिराग खोए थे। इनको हमेशा के लिए खत्म करने का जिम्मा लिया था हमारे मेजर मोहित शर्मा ने। मेजर मोहित शर्मा अपने अंडरकवर ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने अपने बाल काफी बड़े कर लिए, अपने दाढ़ी काफी बड़ी कर ली, कश्मीरी लोगों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया, उनके बोल चाल उनके रहन सहन को बिल्कुल इतनी अच्छी तरह अपना लिया कि कोई पहचान ही नहीं पाए कि ये कश्मीरी नहीं है। मेजर मोहित शर्मा को जैसे ही मौका मिला ये अबू तुरारा और अबू सबजर के करीब गए, उनसे मुलाकात की, उन्हें एक झूठी कहानी बताई कि सोपिया के एक छोटे से गांव के किसी कोने में एक बारी एनकाउंटर के दौरान इनके बड़े भाई को भारतीय सेना ने मार दिया था और उन्हें इसका बदला लेना है। इनके पास भारतीय सेना पर हमला करने का एक प्रॉपर फुल प्रूफ प्लान बना हुआ था, हाथ से बने हुए नक्शे थे, जिसको देख के अबू तुरारा और अबू सबजर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उन्हें लगा कि उन्हें जो चाहिए था उन्हें वो लड़का मिल गया है, उन्हें लगा कि उन्हें ऐसा ही लड़का चाहिए था जिसके अंदर भारतीय सेना को लेकर कूट कूट के नफरत भरी हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये भारतीय सेना के खिलाफ नफरत नहीं थी, ये उनके मौत का इंतजाम किया जा रहा है, ये उन्हें 72 हुरों के पास भेजने का इंतजाम कर रहे थे हमारे मेजर मोहित शर्मा। ये उनके बहुत करीब रहे, उनके साथ ट्रेनिंग की, यहां तक कि ये भी कहा गया है कि मेजर मोहित शर्मा एलओसी क्रॉस करके उस पार भी गए आतंकवादियों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और एक बारी अबू तुरारा अबू सबजर और अपने मेजर मोहित शर्मा या यूं कहें हमारे इफ्तिकार भट्ट एक जंगल में एक सुनसान घर में थे और इफ्तिकार भट्ट किचन में जाके कश्मीरी चाय बोले, या फिर उसे एक्चुअली में कहवा बोला जाता है, कहवा उबाल रहे थे और अबू तुरार और अबू सबजर दूसरे कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। अभी तक उन्हें ये उन्होंने पता लगाना जायज भी नहीं समझा था, उन्हें सही भी नहीं समझा था कि इफ्तिकार भट्ट आखिर है कौन, उसका गांव क्या है, कौन था उसका भाई। लेकिन इसी टाइम पे अबू तुरारा के मन में पता नहीं कहां से एक शक की गुंजाइश आ गई, उसे लगा कि इसके बारे में जरा पता करती है कौन। जैसे इफ्तिकार भट्ट कहवा लेकर के इनके पास आते हैं, अबू तुरारा उनके पास जाता है और उनके शक की निगाहों से देखता है। इफ्तिकार भट्ट को कुछ वो बोलता है तो इफ्तिकार भट्ट यानी मेजर मोहित शर्मा अपने कंधे पे टंगी वो AK-47 उठा के जमीन पे फेंकते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है, अगर भरोसा नहीं है, तो ये मिशन यहीं पे खत्म करते और मुझे अभी के अभी गोली मार दो। आज तक उन्होंने कभी भी इफ्तिकार भट्ट को इतने गुस्से में नहीं देखा था। अबू तुरारा का शक थोड़ा सा गहरा गया। अबू तुरारा ने अबू सबजर की ओर जैसे ही निगाह की ये देखने के लिए कि हमें करना क्या है इस लड़के का, क्या इसे विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या करें। इसी बीच हमारे इफ्तिकार भट्ट यानी मोहित शर्मा ने अपनी एक 9mm की पिस्टल निकाली और चार गोलियां धाएं 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 करके उतार दी उनके अंदर। अबू तुरारा और अबू सबजर का आतंक हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर घाटी से खत्म। अब यहां हमारे साहब का एटीट्यूड देखिए आप। मेजर मोहित शर्मा वहां से गए नहीं, सबसे पहले झुक के उनकी नब्ज चेक की, जब वो मर चुके थे आराम से कुर्सी पे बैठते हैं, मेज पे बैठते हैं, अपना कहवा अच्छे से फिनिश करते हैं, अपने टीम को जो वन पैरा एसएफ को ये सूचना पहुंचाते हैं और शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम होते ही वो अंधेरे में निकल पड़ते हैं वन पैरा एसएफ की अपनी यूनिट ज्वाइन करने के लिए। एक बहुत ही सक्सेसफुल अंडरकवर ऑपरेशन के बाद अब उन्हें लगा कि अब थोड़ा सा घर गृहस्थी भी बसा लेते हैं, जिसके कारण नवंबर 2004 में ही उन्होंने मेजर रेशमा से शादी कर ली और उसके बाद बहुत ही कम उम्र में वो कमांडो इंस्ट्रक्टर बन गए। कमांडो इंस्ट्रक्टर बनने के बाद इनकी माता से को लगा कि अब थोड़ी जीवन में शांति आ गई है, शादी भी हो गई, बेटे की खतरों से बाहर भी है। उन्हें लगा कि अब चलो, अब मां तो मां होती है, उसे लगा कि अब मेरा बेटा सही रास्ते पर जा रहा है, अब उसके जीवन में खुशहाली है, शांत है। 2-3 सालों तक वो इंस्ट्रक्टर बनके शांतिपूर्वक अपना जीवन निकाल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है, डेस्टिनी ने आपको जिसलिए बनाया है वो होगा ही होगा। फर्ज का जब बुलावा आ जाता है तो सब कुछ पीछे रह जाता है। बस फिर आ गई थी फर्ज की बारी, फिर आगे आ गया था उस जगह से बुलावा जहां पे हमेशा से ही हमारे मेजर मोहित शर्मा सर्व करना चाहते थे। फिर बुलावा आया कश्मीर से
अक्टूबर 2008 में बुलावा आता है कश्मीर से और ये जाके वहां पे अपनी यूनिट ज्वाइन करते हैं। अगेन बहुत से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, बहुत से ऑपरेशन में भाग लेते हैं, बहुतों को 72 हूरों से मिलवाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था उसकी बारी आ गई थी, ऑपरेशन ऑफ हाफरुदा जंगल। 20 मार्च 2009 को इनके एक सीनियर की तरफ से मेजर मोहित शर्मा की टुकड़ी को मैसेज दिया जाता है कि इन्हें जाकर रिपोर्ट करना कहां पे, 6RR के हेडक्वार्टर में। ये अपने 25 पैराट्रूपर्स के साथ 6RR के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां पे 6RR के सीओ साहब इन्हें ये जानकारी देते हैं कि 6RR की एक स्क्वाड का मुठभेड़ हुआ है कुछ आतंकवादियों के साथ हाफरुदा के जंगलों में। मुठभेड़ के दौरान वो आतंकवादी बच निकले में कामयाब रहे हैं। अब जब मोहित शर्मा की टुकड़ी को वहां बुलाया गया है, वन पैरा एसएफ के एलाइट यूनिट को वहां बुलाया गया है, इसका मतलब वो आतंकवादी कोई नॉर्मल आतंकवादी तो नहीं थे। अब उन्हें न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेवारी थी स्पेशल फोर्सेस की। मेजर मोहित शर्मा ने वो जिम्मेवारी उठाई और अगले ही दिन उस स्पॉट पे अपने टुकड़ी के साथ जा पहुंचे जहां पे मुठभेड़ हुई थी। वहां पे 6RR के कंपनी कमांडर ने, जो उस मुठभेड़ का हिस्सा थे, ब्रीफ में सब कुछ बताया कि कितने लगभग कितने आतंकवादी थे, किस डायरेक्शन में गए, क्या हुआ नहीं हुआ, सब चीज बहुत अच्छे से बताया उन्हें। लेकिन अभी भी इंटेलिजेंस बिल्कुल क्लियर नहीं था, कितने आतंकवादियों ने हमला किया था, कितने आतंकवादी थे अभी भी क्लियर नहीं था। फिर भी मेजर मोहित शर्मा ने वो जिम्मेवारी उठाई कि ठीक है अब आप लोग जाइए अपनी यूनिट में, अब आगे की काम कार्रवाई हम करेंगे। अब आगे की कार्रवाई करेगी वन पैरा एसएफ की वो एलिट यूनिट जिसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा ने अपना एक पैरा ट्रूपर 6RR के उस स्क्वाड के साथ ही भेज दिया ताकि वो हमेशा हेडक्वार्टर के साथ कनेक्शन में रहे, और 24 लोगों की एक टुकड़ी को तीन भाग में डिवाइड किया। पहली टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं मेजर मोहित शर्मा कर रहे थे, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व नायब सूबेदार उत्तम चंद और तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व हवलदार राकेश खंडेलवाल। तीनों टुकड़ियों को मेजर मोहित शर्मा ने आदेश दिया कि आप अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ें और ट्रेस करने की कोशिश करें कि आतंकवादी आखिर गए किस दिशा में है, उनके पैरों के निशानों को पकड़े, क्योंकि बर्फ से ढकी हुई थी चोटियां, बर्फ से ढका हुआ था पूरा जंगल, तो पैरों के निशान मिलने आसान थे। इसी बीच एक टुकड़ी ने पैरों के निशान से पता लगा लिया कि आतंकवादी किस दिशा में गए हैं, लेकिन अब भी ये साफ नहीं हो पाया था कि कितने आतंकवादी हैं। इसके पीछे का कारण यह था कि वो आतंकवादी बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षित थे। उन्होंने किया क्या था कि जो भी आतंकवादी सबसे आगे चल रहा था उसी के पैरों के निशान पे बात की आतंकवादी अपना पैर रखते गए थे, जिससे पता ही नहीं चला कि कितने लोग यहां से आगे गए हैं। इसी बीच अभी वो सोच ही रहे थे कि हमें करना क्या है, उनका एक साथी पैरा ट्रूपर नेत्र सिंह थोड़ा आगे बढ़ते गए और रेडियो पे मेजर मोहित शर्मा को एक मैसेज दिया कि उन्होंने दो आतंकवादियों को स्पॉट कर लिया है और उन आतंकवादियों ने भी इन्हें स्पॉट कर लिया है। मेजर मोहित शर्मा अपनी टुकड़ी के साथ उस ओर पहुंच ही रहे थे कि अचानक से उस शांत हाफरुदा के जंगल में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी, बर्फ से ढकी घाटियां अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगी थी, और इसी बीच पैरा ट्रूपर नेत्र सिंह को दो गोलियां लगती हैं और वो उसी समय शहीद हो जाते हैं। चारों तरफ से गोलीबारी के बीच मेजर मोहित शर्मा ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए अपने पैरा ट्रूपर्स को आदेश दिया कि सबसे पहले पीछे जाके एक सेफ कवर लो। एक कुशल सेनापति की तरह उनका पहला काम था कि अपनी टुकड़ी को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, उनका एक भी पैरा ट्रूपर शहीद नहीं होना चाहिए, उनका पहला मकसद यह था। उसके बाद जब उनकी टुकड़ी थोड़ा पीछे हो गई, एक सेफ कवर पे चली गई, इधर से भी रिटेलिएशन के लिए गोलियां चलाई जा रही थी, मेजर मोहित शर्मा आगे बढ़ के गोलियां बरसा रहे थे, परंतु अभी भी यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कितने आतंकवादी हैं। लेकिन गोलियां चलने के पैटर्न से मेजर मोहित शर्मा ने यह आकलन तो कर लिया था कि उनके बीच और आतंकवादियों के बीच की दूरी हार्डली कोई 50 मीटर की रही होगी और वो एक अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल के पोजीशन में खड़े होकर गोलियां बरसा रहे हैं चारों तरफ से। मेजर मोहित शर्मा ने हवलदार राकेश खंडलवाल की टुकड़ी जो थोड़ी ऊंचाई पे थी उनको बोला कि तुम आतंकवादियों को एंगेज करो, और अपनी बाकी यूनिट को, बाकी टुकड़ी को बोला कि पीछे जाके पेड़ों के पीछे कवर लो। हवलदार राकेश खंडलवाल की यूनिट ने ऊपर से गोलियां बरसानी शुरू की और सामने से मेजर मोहित शर्मा ने अपनी टुकड़ी के लिए कवर फायर दिया। लेकिन मेजर मोहित शर्मा के जो बड़ी थे उन्होंने क्या बोला कि सर आप हमारे साथ पीछे आ जाओ, मैं इनको संभालता हूं। लेकिन एक सेनापति होने के नाते उन्हें पता था कि उनका काम क्या है, उनका काम है अपनी टुकड़ी को सुरक्षित रखना, भले उस बीच में उन्हें कितनी भी गोलियां लग जाए, क्या हो जाए। उनकी टुकड़ी पीछे जाती गई, हवलदार राकेश खंडलवाल की टुकड़ी ऊपर से गोली बरसाती रही। इसी बीच एक गोली जाके लगती है हवलदार राकेश खंडलवाल के पैरों में, और उसी समय एक गोली जाके लगती है मेजर मोहित शर्मा के बाएं हाथ में। फिर भी घायल होने के बाद भी हमारा शेर टिका हुआ था, एक हाथ से गोलियां बरसाए जा रहे थे मेजर मोहित शर्मा। जब उन्हें लगा कि उनकी टुकड़ी पेड़ों के पीछे एक सही कवर पे पहुंच गई है, तब इन्होंने अपने एक हवलदार को आदेश दिया कि MGL फाइल करो, MGL फायर करो।
MGL का मतलब होता है मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, जिसमें से एक साथ 6-7 ग्रेनेड एक ही बार में लॉन्च किए जा सकते हैं। जब इनके हवलदार ने MGL फायर करने का सोचा, एक गोली जाके उनके कोहनी में लगती है और वो वहीं पे गिर जाते हैं और उस स्थिति में नहीं होते हैं कि वो MGL फायर कर पाए। जब मेजर मोहित शर्मा ये समझते हैं कि वो उस कंडीशन में नहीं है, उस परिस्थिति में नहीं है कि MGL फायर करे, वो उनको पीछे हटने का आदेश देते हैं और स्वयं जा करके 6 ग्रेनेड फायर करते हैं आतंकवादियों की ओर, घायल होने के बावजूद भी। गोली तो इनके बाएं हाथ में भी लगी थी, लेकिन हमारे मेजर रोहित शर्मा एक कुशल सेनापति की तरह अभी भी सामने से लीड कर रहे थे और 6 ग्रेनेड लॉन्च करने के बाद आतंकवादियों की तरफ से आने वाली गोलियों में थोड़ी सी गिरावट हो गई और जैसे ही धुआं छटने लगा, ग्रेनेड का धुआं जैसे ही छटने लगा, मेजर मोहित शर्मा पीछे गए अपना कवर लेने के लिए पेड़ों के पीछे, ताकि देख सके कि कितने आतंकवादी और बचे हैं। जब वो पीछे जा रहे थे, इसी बीच एक गोली आके लगती है हमारे मेजर मोहित शर्मा के छाती में। तब तक उन्होंने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था और छाती में गोली लगने के बाद मेजर मोहित शर्मा वहीं धराशायी हो जाते। अपने सेनापति को इस परिस्थिति में देख इनकी पूरी टुकड़ी गुस्से से भर जाती है और सामने आकर बेधड़क गोलियां बरसाने लगती है। जब इनके बड़ी हवलदार राजीव आगे बढ़ते हैं मदद के लिए, तो मेजर मोहित शर्मा बस इतना बोलते हैं कि मैं ठीक हूं, ये छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा, तुम लोग गोलियां बरसाते रहो, इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उन्होंने हवलदार राकेश खंडेलवाल की टुकड़ी जो ऊंचाई पे थी, उनको भी ऊपर से आदेश दिया कि तुम्हारे तरफ से गोलियां रुकनी नहीं चाहिए, गोलियां बरसाते रहो, इनके ऊपर एक भी बच के नहीं जाना चाहिए इनमें से। इतना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ आदेश नहीं दिया, पूरी तरह से घायल होने के बाद भी छाती में गोली लगी है, फिर भी एक हाथ से उन आतंकवादियों के ऊपर जब तक जान थी गोली बरसाते रहे। और जब सारे आतंकवादी न्यूट्रलाइज हो गए, उसी बीच पैरासेफ की और बहुत सी टुकड़ियां वहां पहुंची, मेजर मोहित शर्मा को वहां से एयरलिफ्ट किया जाता है और 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर पहुंचाया जाता है। 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर पहुंचने के बाद अगले दिन मेजर मोहित शर्मा को शहीद घोषित कर दिया जाता। एक अदम्य साहस का परिचय करते हुए मेजर मोहित शर्मा मां भारती की गोद में हमेशा के लिए सो गए। इनके बड़ी वो हवलदार साहब, उनसे जब बात हुई तो वो उन्होंने बताया कि मेजर साहब को अपने कंधे पर उठाकर हेलीकॉप्टर तक ले जाना उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ था। उन्होंने बताया कि उस ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहित शर्मा की केवल 2 ही प्रायोरिटीज थी, एक कि एक भी आतंकवादी बच के ना जाए और दूसरा मेरे साथियों को खरोंच तक ना आए, और वो लगभग दोनों पूरा करने में कामयाब रहे थे। अपनी अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व के कारण मेजर मोहित शर्मा को पीस टाइम के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से नवाजा गया और मेजर मोहित शर्मा या इफ्तिकार भट्ट हमेशा हमेशा के लिए भारतीयों के दिलों में अमर हो। इसलिए मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप शांतिपूर्वक अपने घर पे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपने त्योहारों को एंजॉय कर पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, तो आपको शायद पता नहीं हो आपके जाने अनजाने में जितने कितने परिवार बिखर गए। आपके परिवारों को एकजुट रखने के लिए जाने कितने सैनिकों ने शहादत दी। मेजर मोहित शर्मा जैसे अनेक शहीदों को अपने दिल में हमेशा अमर रखें। तब तक के लिए जय हिंद, मेजर मोहित शर्मा अमर रहे।